हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट। में यहाँ हम जानेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट जियोग्राफी के पेपर कोड GEO 201 के टॉप 70 MCQs क्वेश्चन विद आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? इसका आंसर होगा बहुअनुशासनिक। पहला क्वेश्चन है, कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों में संचालित नहीं होती? इसका आंसर होगा मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? इसका आंसर होगा नवनियतवादी अवधारणा से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 5 जून को। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर होगा 1986 को। Rio 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? इसका आंसर होगा द फ्यूचर वी वन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ? इसका आंसर होगा 1997 को। अगला क्वेश्चन, सतत विकास सूचकांक 2017 की दृष्टि से शीर्ष पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा स्वीडन। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इसका आंसर होगा 3 दिसंबर 1984 को। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा जीरोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? इसका आंसर होगा सदैव सीधा। अगला क्वेश्चन है, एक खाद स्तर से दूसरे खाद स्तर में आने पर ऊर्जा का कितना ह्रास होता है? इसका आंसर होगा 19% 90%। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? इसका आंसर होगा चार्ल्स एल्टन ने। अगला क्वेश्चन, 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? इसका आंसर होगा लिंडेमान। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा जैव समुदाय। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा जैव मंडल। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा इकोटोन। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा डॉक्टर वंदना शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 14 दिसंबर को। भूतल पर सबसे अधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा कुल के। अगला क्वेश्चन, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा औद्योगिक बहिष्राव। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश किसको जलाने से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा कोल अर्थात पत्थर के कोयले को। अगला क्वेश्चन, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? इसका आंसर होगा स्वीडन 1972 में। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा अम्ल वर्षा को। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ओस्लो में। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? इसका आंसर होगा नॉर्वे में। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा मीथेन। अगला क्वेश्चन, कितने डेसिबल ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा 80 से 90 डेसिबल ध्वनि तक। अगला क्वेश्चन, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा 1974। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय का कारण क्या है? इसका आंसर है विकिरण। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन, गंगा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब गठित किया गया? इसका आंसर होगा 1985 में। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे नामक महत्वाकांक्षी योजना कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर होगा 2014 में। ब्लैक फुट नामक बीमारी का क्या कारण है? इसका आंसर होगा आर्सेनिक की अधिकता। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभयारण्य जो श्री सैलम अभयारण्य है किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर होगा 261 मीटर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सिद्रापोल 1897 दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व कौन सा है? इसका आंसर होगा काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित होती है? इसका आंसर होगा आगजनी। आपदा प्रबंध किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा संघ सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उपयोगी बताया गया है?
इसका आंसर होगा पंचायती समिति को। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन कौन सा है? इसका आंसर होगा उपग्रह फोन। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जाता है? इसका आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरे से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1984 में। अगला क्वेश्चन, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र में, अगला क्वेश्चन है, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर होगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1977-78 में। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर होगा कोयना बांध का निर्माण। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होता है? इसका आंसर होगा अक्टूबर नवंबर में। भूस्खलन का क्या अर्थ है? भूस्खलन का अर्थ जमीन का खिसकना है। अगला क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा वर्षा का अत्यधिक होना। बाढ़ का प्रकोप भारत के कितने राज्यों में है? 15 राज्यों में। सन 2001 में भारत के कितने राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा था? 8 राज्यों में। भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया? इसका आंसर होगा 1976 में। सबसे अधिक सूखा प्रभावित राज्य कौन सा है? राजस्थान। डेंगू बीमारी का कारण क्या है? बाढ़ आना। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? क्लोरीन के कारण। नाभिकीय विकिरणों द्वारा मानव का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा। किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज की गई थी? इसका आंसर होगा कॉपरनिकस सेंटिनेल। अगला क्वेश्चन है, किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज की गई थी? इसका आंसर होगा कॉपरनिकस सेंटिनेल 5P से। अगला क्वेश्चन, ओजोन किस प्रकार का प्रदूषक है? इसका आंसर होगा द्वितीयक प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक क्या है? इसका आंसर होगा लाइकेन। कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में सहयोग देता है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? इसका आंसर होगा ब्रिटिश टीम ने। अगला क्वेश्चन, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से क्या होता है? इसका आंसर होगा त्वचा का कैंसर होता है। नौकली संरक्षण किससे उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 16 सितंबर को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कौन से 2 विभागों को शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा महासागरीय विकास एवं भारतीय मौसम विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दस्तावेज से। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ओजोन लक्ष्य से। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1980 में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर होगा महासागर विकास मंत्रालय। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा जिनेवा में। अगला क्वेश्चन, IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर होगा इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, अब तक का सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष को रिकॉर्ड किया गया है? इसका आंसर होगा 2016 को। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा 1979 जिनेवा में। थैंक यू।